चुड़ैल दादी की भूखी नन्ही चिड़िया। चमनपुर गांव में एक बूढ़ी गरीब औरत अरुणा अपनी अकेली झोपड़ी में रहती थी। उसके बहु बेटे उसे छोड़कर शहर में बस चुके थे। ऐसे ही एक दिन सुबह झाड़ू लगाकर वो कहती है, अरे बाप रे बाप, मेरी कमर, अब तो मुझसे झाड़ू भी नहीं लगाया जाता झुककर। काश मेरे बच्चे मेरे पास होते तो मुझे ये सब न करना पड़ता। पर कोई बात नहीं, उन्हें अपना भविष्य भी तो देखना है, मेरा क्या है, 4 दिन और जीना है। झाड़ू लगाने के बाद वो अपने आटे की बोरी में देखती है कि कुछ दिन का ही खाना बन सकता है। खाना बनाने के बाद वो जैसे ही खाना खाने बैठती है तो एक नन्ही सी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास आ जाती है। ची, ची, ची। लगता है तुम्हें भूख लगी है, ऐसा करो मेरी एक रोटी तुम खा लो। ऐसा कहकर वो बुढ़िया अपनी एक रोटी उस नन्ही चिड़िया को छोटे छोटे टुकड़ों में खिला देती है, फिर उसके लिए कटोरे में पानी भर कर रख देती है। ये लो, तुम पानी भी पी लो, तुम्हें प्यास भी लगी होगी। चिड़िया पानी पीती है फिर चली जाती है। लगता है ये चिड़िया बहुत भूखी प्यासी थी। चलो कोई नहीं, एक रोटी इसके नसीब में थी, इसने खा ली। अगले दिन वो बुढ़िया जब फिर से खाना खाती है तो वो नन्नी नन्नी सी चिड़िया उसके पास आ जाती है। आज तू फिर आ गई, तुझे रोटी खानी है ना, ये ले खा ले। बुढ़िया फिर से उसे अपने हिस्से में से एक रोटी दे देती है। चिड़िया उस रोटी को खा लेती है। ऐसे ही रोज रोज वो नन्नी चिड़िया उस बुढ़िया के पास आती और उसकी थाली में से एक रोटी हमेशा खाती थी। धीरे धीरे बुढ़िया को उस चिड़िया से लगाव हो जाता है, वो उसके साथ बातें भी किया करती थी। एक दिन बुढ़िया अपनी थाली लेकर बैठी थी पर चिड़िया उसके पास आई नहीं। अरे ये क्या हो गया, अभी तक वो नन्ही सी चिड़िया आई क्यों नहीं, बुढ़िया ऐसा कहती है। तब तक वो चिड़िया एक चील से अपनी जान बचाकर बुढ़िया की गोद में गिर जाती है और कहती है, अरे ये क्या हुआ, तुम्हें पंख में लग गई है क्या, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। वो एक भयानक चील मेरे पीछे पड़ा था, एक बार तो उसने मुझे अपने पंजों में झपट ही लिया था, उस वजह से मेरे पंख में लग गई और बचते बचाते मैं यहाँ आ गई। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी मरहम लगा देती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, ये कहकर बुढ़िया उसके पंख पर मरहम लगा देती है, जिसके बाद वो चिड़िया बेहतर महसूस करती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। मेरे बिना तुमने खाना क्यों नहीं खाया। क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे साथ में अपना समय व्यतीत करती हूँ, बातें करती हूँ। मेरे पास पोता पोती बहु बेटे होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, रोज तुम्हारे साथ खाती हूँ तो तुम्हारे बिना कैसे खा लेती। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चिड़िया चली जाती है। एक दिन बुढ़िया पर कोई भी सब्जी बनाने के लिए नहीं थी। उसकी बात सुनकर चिड़िया खेत में जाती है, 2-4 बार सब्जियां तोड़कर अपनी चोंच से लेकर आती है। अरे तुम ये सब्जियां लेकर क्यों आई हो। तुम मेरी मदद करती हो तो मैं भी तो कर सकती हूँ, मैंने तुम्हारी बात सुनी थी इसीलिए सब्जियां लेकर आई हूँ। इसकी सब्जी बना लो फिर हम साथ खाएंगे। तुम इतनी नन्ही सी चिड़िया होकर भी कितनी बातें समझती हो, और एक इंसान है कहने के बावजूद भी नहीं समझते। शायद यही फर्क है बेजुबान पशु पक्षी और इंसान में। अब जल्दी करो, हम दोनों को खाना भी खाना है। अरुणा उन 2-4 सब्जियों से खाना बना लेती है, फिर चिड़िया के साथ खाना खाती है। वक्त बीतता है, इसी तरह वो चिड़िया अरुणा के पास खाना खाने आती है और कुछ न होने पर कभी उसे फल तो कभी सब्जियां तोड़ कर लाती थी। एक दिन जब चिड़िया वापस आती है तो उसे वो बुढ़िया मरी हुई पाती है, और उसने चिड़िया के लिए एक थाली में खाना बनाकर भी रखा हुआ था। अरे ये क्या, तुम तो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, और ये क्या, मेरे लिए खाना भी बनाया हुआ है, शायद तुम मेरा इंतजार कर रही थी, उसी वक्त तुम्हारी जान चली गई, अब मैं तुमसे कैसे बातें करूंगी, मुझे खाना कौन खिलाएगा। अरुणा को मृत देखकर वो उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। 4 दिन बीत जाते हैं, वो चिड़िया रोज बुढ़िया की झोपड़ी में आया करती थी ये सोचकर कि उसे खाना मिलेगा, पर उससे खाना कोई नहीं देता। 5वें दिन वो चिड़िया फिर से आती है तो देखती है, अरे आज तो खाना बना।
दादी तो चली गई है। तभी अरुणा चुड़ैल बनकर उसके सामने आती है और कहती है, तुम मुझे भूल तो नहीं गई नन्ही चिड़िया, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, आओ हम साथ में खाएंगे आज भी। अरे तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम्हारा मोह ऐसा था कि मुझे तुम्हारे लिए आना ही पड़ा। तुमने 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया ना, इसीलिए मैंने खाना बना दिया। आओ अब साथ बैठकर खाना खाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कर लो यकीन। ये कहते ही चुड़ैल दादी नन्ही सी चिड़िया के साथ खाना खाती है। इसी तरह चिड़िया रोज उसके पास आती है और चुड़ैल दादी रोटी बनाकर उसे खिलाती है। तुम्हारे आने से अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा कोई है। हाँ मुझे भी तुम्हारे आने से यही लगता है, वरना मैं बहुत अकेली थी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत निराश रहती हो, आखिर क्या बात है जो तुम अभी भी दुखी हो? जो हो नहीं सकता उसे क्या बताऊँ। फिर भी मुझे बताओ क्या बात है? दरअसल मैं अपने पोते पोतियों को बहुत याद कर रही हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिल लूं, पर वो तो आए नहीं और मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पोते पोती और बहू बेटों को यहाँ लाऊंगी। बस तुम मुझे ये बता दो कि वो कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली शहर के द्वारका में रहते हैं, पर तुम उन्हें लाओगी कैसे? रुको तुम्हें शक्तियाँ देती हूँ जिससे तुम जल्दी और अपना विशाल रूप पर बिठा कर उन्हें ला सकती हो। ऐसा कहकर चुड़ैल दादी उसे शक्तियाँ प्रदान करती है, जिसके बाद वो उसके पोते पोतियों को लेने पहुँच जाती है और कहती है, सुनो रीना और पंकज, मैं तुम्हारी दादी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो तुम्हें बहुत याद कर रही है और तुम्हारे माता पिता को भी, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उनकी आत्मा ने मुझे बताया है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ, इसीलिए आप सब चलो मेरे साथ। क्या दादी इस दुनिया में नहीं रही? हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये तो गजब हो गया, हमें माँ के पास अभी जाना होगा। मैं तुम सबको लेकर चलती हूँ। ये कहते ही जादुई चिड़िया विशाल रूप में आकर उन्हें अपने ऊपर बिठाकर चुड़ैल दादी तक ले जाती है। तभी चुड़ैल दादी अपने परिवार को देखकर कहती है, अरे बच्चों तुम आ गए, कब से तुम्हारी राह देख रही थी कि तुम एक दिन आओगे। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें आने में देरी हो गई, प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाइए। हाँ माँ देखो तुम्हारे पोते पोतियाँ भी तुम्हारे साथ यहाँ रहने आए हैं। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चों से मिल पाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें ऐसे देख पा रही हूँ, गले मिल पा रही हूँ, पर सच तो ये है बच्चों कि अब मैं नहीं रही। काश तुम मेरे अकेलेपन में आ सकते तो 4 यादें और जोड़ लेती। माँ हमें माफ कर दीजिए, पर प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। अरुणा के ऊपर एक रोशनी आती है और वो कहती है, तुम्हें पता है नीली रोशनी मुझ पर क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया, अब तुम सब अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं चुड़ैल दादी, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। मुझे रोज खाना कौन देगा? दादी हम आपके साथ खेलना भी चाहते हैं। दादी हमें छोड़कर मत जाओ। माँ मत जाओ ना। बेटा प्रकृति के नियम को बदल तो नहीं सकते ना, और चिड़िया रानी तुम परेशान मत हो, मेरे बच्चे तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मत जाओ दादी। चिड़िया और बाकी सभी बहुत रोते हैं और अपने बच्चों से मिलने के बाद अरुणा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो नन्ही चिड़िया अब अरुणा के बहू बेटे पोते पोतियों के साथ रहती। बूढ़ी सास का प्यारा कौवा। दूर दराज बसे गुलमोहर गांव में कल्याणी नाम की एक बुजुर्ग बुढ़िया एकदम अकेली रहती थी। हमेशा की भांति आज भी बूढ़ी कल्याणी ओसारे में बैठी हुई बोलती है, इतने बरस बीत गए, संदीप को शहर गए हुए, उसकी बाट जोते हुए अब तो मेरी आंखें भी बूढ़ी हो चली। शायद अब तुझे बेटे के लौटने की बात छोड़ देनी चाहिए कल्याणी। ये बोलते हुए बूढ़ी कल्याणी की आंखों से बेबसी की बदरा बरसने लगती है। कुछ देर बाद ही सांझ की बेला घिर आती है, जिसे देख कल्याणी कहती है, कल्याणी रसोई घर का रुख करते हुए एकाएक सभी डिब्बे टटोलती है, इतना आटा ही शेष बचा है,
अगर प्रत्येक दिन 2 रोटियां बनाऊंगी तो सप्ताह भर तक तो चल बन जाएगा। बुढ़िया 2 रोटियां बनाकर प्याज के साथ उसे थाली में परोसकर जैसे ही पहला कौर उठाती है कि एक जख्मी कौवा उसके झरोखे पर आकर बैठ जाता है और काव काव करने लगता है। अरे ये तो किसी कौवे के करहाने की आवाज है। एकाएक कल्याणी की नजर झरोखे पर पड़ती है। वो कौवे को अपनी बाहों में उठाकर सहलाते हुए कहती है, अरे ये कौवा तो लहूलुहान लथपथ है, लगता है किसी शिकारी ने इस पर निशाना साधा था, तभी इसके पंख और पंजे बुरे तौर से जख्मी हो गए हैं। बुढ़िया झटपट से जड़ी बूटियों का लेप बनाकर कौवे के घाव पर लगा देती है। कुछ पल छिन्न बाद कौवा अपने पंजों पर स्थिर होकर काव काव करने लगता है। लगता है ये कौवा प्यासा है, इसे पानी पिलाती हूँ। बुढ़िया कौवे को पानी पिलाती है। तभी कौवा बुढ़िया की परोसी हुई थाली से एक रोटी अपनी चोंच में दबाकर उसे एक टक निहारते हुए पंख फड़फड़ाने लगता है। तुझे भूख लगी है? कोई बात नहीं, हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, एक रोटी तेरी एक मेरी। बुढ़िया अपने हिस्से की एक रोटी कौवे को देकर एक रोटी खाती है। अब हर एक भोर और सांझ को कौवा झरोखे पर आ बैठता। बुढ़िया उसे रोटी देकर सहलाते हुए कहती है, अरे कंकू मैं तेरी ही राह निहार रही थी, ये ले तेरे हिस्से की एक रोटी। कंकू मुझ बुढ़िया के पास बेहद सीमित संसाधन है, इसीलिए मैं सिर्फ 2 रोटियां ही बनाती हूँ, मगर उसे तुम्हारे संग साझा करके मुझे बेहद सुकून मिलता है, तुम मुझ बुढ़िया के चहेते बन चुके हो। इस तरह हरेक दिन सप्ताहों में शुमार होते चले गए। एक सवेरे कल्याणी का बेटा संदीप अपनी शहरी बीवी श्रेया के संग गाँव में दस्तक देता है। संदीप मेरे लाल तू आ गया, तुझे देखकर मुझ बुढ़िया का दिल बाग बाग हो गया। माँ ये श्रेया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। तूने शादी कर ली और मुझे अब बता रहा है? माँ सब कुछ बेहद जल्दबाजी में हुआ, आपको खबर करने का समय नहीं मिला। खैर अब जो संजोग मिल चुके हैं हो गए। आ बहू, तेरी बूढ़ी सास के घर में तेरा स्वागत है। सूरज ढलने के साथ पूरे गुलमोहर गांव सांझ में सराबोर हो जाता है। दरवाजे पर खड़ी कल्याणी को देख संदीप कहता है, माँ क्या बात है, कोई आने वाला है क्या? सवेरे से सैकड़ों बार कभी आप दरवाजे पे जाती हो तो कभी झरोखे पर ताक लगाए हो, सुबह से खाने का एक कौर नहीं पड़ा आपके पेट में। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम दोनों खा कर सो जाओ, सफर के थके मांदे हो, ज्यादा देर तक जगोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। श्रेया और संदीप अपने कमरे की ओर अग्रसर होने को ही थे कि कौवा उड़ते हुए झरोखे पर आकर बैठता हुआ काव काव करता है। ओफो ये कौवा कहाँ से आ गया? श्रेया डंडा उठाकर कौवे को फटकारने लगती है। अरे ओ काले कौवे, जल्दी से फुर हो जा, वरना तेरे काले भद्दे पर कतर कर रख दूंगी मैं। बहू ये क्या करामात कर रही है? क्यों सासू माँ, ये कौवा क्या लगता है आपका, बड़ा प्यार आ रहा है आपको इस परिंदे पर? कंकू मेरे पास आओ। कल्याणी के शब्द सुनकर कौवा उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। कल्याणी हमेशा की भांति उसे खाने को एक रोटी देती है। कल्याणी का कौवे के प्रति अतहास ने देख श्रेया पांव पटकते हुए अपने कमरे में चल देती है। गुजरता समय कब साल भर में शुमार हो जाता है। इस बीच श्रुति एक बेटे को जन्म देती है। मुबारक हो बेटा, तू बाप बन गया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो माँ, आप भी दादी बन गयी। अगर आप दोनों माँ बेटे की बधाई हो चुकी हो तो संदीप माँ जी को साफ तौर से समझा दो कि अब वो काला कौवा हमारे घर में ना आए, उसकी कर्कश काव काव की गूंज से मेरा दूध मुहा बच्चा डर जाएगा। बहू के बोल वचन सुनकर बेचारी बूढ़ी सास चुप्पी साध लेती है, मगर अब जो कि उस परिंदे को बुढ़िया के प्रीत की आदत पड़ चुकी है तो वो कहाँ रुकता, कौवा निस दिन वहाँ आता। एक दिन की बात है, बुढ़िया अपने बहू के बच्चे को ओसारे में खिला रही थी, तभी देर दोपहर कौवा दस्तक दे देता है। अरे कंकू तू आ गया, मैं कब से तेरी ही राह निहार रही थी, ये ले तेरे हिस्से की रोटी। कौवा चौकी पर बैठकर अपनी चोट से रोटी को खाने लगता है। तभी वहाँ श्रेया और संदीप आ धमकते हैं। सासू माँ बढ़ती बुढ़ापे में सटिया गई है क्या आप? ये देखते हुए भी कि ये कौवा मेरे बच्चे के बगल में बैठा हुआ है, आप इसे भगाने के बजाय इसे रोटी खिला रही हैं। अरे बहू एक परिंदे का पेट भरने से क्या बिगड़ जाएगा। माँ जी
आपका प्यार इस काली परिंदे के प्रति परवान चढ़ता जा रहा है। भगवान ना करे अगर इस कसाई कौए ने अपनी पैनी चोट से मेरे बेटे का आँख फोड़ कर उसे जीवन भर के लिए अंधा कर दिया तब। श्रेया के जहरीले बोल के बाण संदीप के मन मस्तिष्क को भीतर तक सराबोर कर देते हैं और वो श्रेया के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है, माँ श्रेया की बात एकदम सटीक है, इन परिंदों का भरसक भरोसा ही क्या, आज के बाद ये परिंदा यहाँ भटकते नहीं दिखना चाहिए। ये बोलते हुए संदीप एक कंटीली छड़ी से कौए को मारने लगता है। कौआ करहाने लगता है, अरे बेटा मत मार कंकू को, तुझे तेरी बूढ़ी माँ की कसम, कंकू तू जा यहाँ से। बुढ़िया के बोले पर कौआ पंख फड़फड़ाकर उड़ जाता है। उस रोज सारा आसमान घनघोर बरसाती बादलों से घिराता है जिसके साथ झमाझम बरसात होती है। इतना तेज तूफान, जाने कंकू कहाँ होगा। ये तो कंकू की आवाज है। बुढ़िया की निगाह घर की मुंडेर पर बैठे कौए पर जाती है। बुढ़िया के सिवा किसी को भी ये खबर न थी कि कौए ने मुंडेर को अपना घर बना लिया है। समय गुजरता गया। एक सवेरे, बहू मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, मुन्ना का ख्याल रखना, वो सारे में खेल रहा है। ये बोलकर कल्याणी चली जाती है मगर श्रेया तक उसके शब्द नहीं पहुँच पाते। तभी पास के जंगल से एक जहरीला सांप रेंगते हुए औसारी में आ घुसता है। तभी कौआ अपनी चोट से उस पर प्रहार करता है। ये तो उसे काले कौए की कर्कश ध्वनि है, ये सासुमा का कौआ एकदम उनके भातीर हटीला है। श्रेया रसोई से बाहर का रुख करती है जहां वो कौए और सांप की भिड़ंत देख कर हक्की पक्की हो जाती है। आओ संदीप, सासुमा जल्दी आइए, घर में सांप घुस आया है, मेरा मुन्ना। कौआ अपनी चोट और तैने पंजों से सांप को लतराते हुए लहूलुहान कर देता है मगर दम तोड़ते हुए सांप उसे डंक मार देता है। उसी पल छिन्न कल्याणी वहाँ आ धमकती है, बहू ये सब क्या है, और मेरा कंकु ऐसे बोझल बेहोश क्यों पड़ा है। माँ जी जाने ये जंगली जहरीला सांप घर पर कब घुस आया। मुन्ना को बचाने में कंकु इस जहरीले सांप से भिड़ गया, अपनी भरसक कोशिश से कंकु ने इसे मार गिराया मगर इस काले करेत ने कंकु को डस लिया। मैंने हमेशा इस कौए को कितने कड़वे बोल सुनाए, बदले में इसने अपनी जान दांव पर लगाकर मुन्ना को बचाया। बहू जल्दी से सांप के काटे हुए भाग पर कपड़ा बांध दे, तब तक मैं जड़ी बूटियों का लेप तैयार करती हूँ, इसे करैत का जहर खत्म हो जाएगा। बुढ़िया रोते बिलखते हुए फौरन लेप बनाकर कौए के पंजे पर लगाती है। कुछ घंटों बाद कौआ भला चंगा अपने पंजों पर खड़ा हो जाता है। कंकु मुझे माफ कर दो, अब से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे, तुम्हारी कारण ही आज मेरा मुन्ना जिंदा है। श्रेया कौओं के लिए सुंदर सा घोंसला तैयार करती है। अब कौआ सदा के लिए बूढ़ी सास के संग रहने लगता है। मीरा की शादी विकल्प से हुई थी और वो अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर कहती है, मम्मी जी पापा जी खाना खाकर बताइए ना, मैंने गाजर का हलवा और चिकन फ्राई बनाया है, वो क्या है ना मुझे बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था इसलिए बना दिया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वैसे मेरा भी यही खाने का मन था। चलो अच्छा है बहू, आज मैं तेरे दोनों हाथ का स्वाद चख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। मीरा सबको खाना परोस देती है। खाने के बाद सभी कहते हैं, ओहो मजा आ गया, मेरी बीवी ने चिकन फ्राई बनाया है आज तो। अरे वाह बहू, आज से पहले मैंने इतना बढ़िया चिकन फ्राई कभी नहीं खाया। ये ले बहू मेरे कान के झुमके शगुन के हैं, संभाल कर रखना। बहू बहुत स्वादिष्ट बनाया है। देख बेटा हम तो गरीब हैं, इसलिए तुझे मैं सिर्फ 101 रुपए ही दे सकता हूँ। कोई बात नहीं पापा जी, आशीर्वाद किसी भी रूप में मिले बस आशीर्वाद दीजिए। कुछ देर बाद विकल्प अपने कमरे में मीरा के साथ होता है तो उसके बालों में गजरा लगा देता है। तभी वो खुशी से कहती है, शुक्रिया विकल्प जी, आप तो बहुत अच्छे, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मुझे पता था तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा, और सच बताऊं अब तो मेरा दिल तुम पर और आ गया है। वक्त बीतता है, मीरा घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है और आए दिन जब भी घर वालों का मन करता है तो वह चिकन फ्राई बनाया करती थी। ऐसे ही एक शाम रेवती बोलती है, सुनिए जरा मुझे 300 रुपए देना। क्यों भाई तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। वो क्या है ना मुझे बहू से आज चिकन फ्राई बनवाना है, उसके हाथ का कब से खाया नहीं मैंने, बहुत मन कर रहा है। अरे इतना खाने की क्या जरूरत है, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने चिकन फ्राई बनवाया था और इतनी तादाद में चिकन बनवाया था कि अगले दिन भी चिकन खाया तुमने, अब फिर से। अरे तो क्या हो गया, कौन सा मैं अकेला खाती हूँ, दे नहीं सकते थोड़े पैसे। लो पकड़ो खाओ चिकन फ्राई। ये कहते ही अपनी बहू से चिकन फ्राई बना लेती है। वही रविवार आता है तो मीरा कहती है, अरे आज तो संडे है, आज मैं अपना फेवरेट चिकन फ्राई खाऊंगी। सुनिए विकल्प
आप मार्केट से आओ तो चिकन लेते हुए आना। क्यों जी, किस खुशी में चिकन लेकर आना है? अभी दो दिन पहले मम्मी ने तुमसे चिकन बनवाया फिर से। हाँ तो क्या हो गया, मम्मी जी ने बनवाया था ना उस दिन, उनका मन था, आज मेरा मन है। वैसे भी मैं हर संडे को सिर्फ चिकन फ्राई खाती हूँ, आप चुपचाप से लेकर आ जाइए क्योंकि मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी आज। एक बात बताओ, पैसे का पेड़ पर लग रहा है? वैसे भी मेरे गिने चुने पैसे आते हैं, उन सब का भी तुम हर हफ्ते चिकन फ्राई बनवाओगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। देखिए, दिवाला निकले या होली, पूरी करनी पड़ेगी आपको मेरी हर बोली, वरना पिला दूंगी आपको दूध में मिलाकर जमाल घोटे की गोली। अच्छा बेटा, शायरी की धमकी, चलो ठीक है अब ले आऊंगा। ये अब मैं बनाऊंगी चिकन फ्राई। इस तरह दोनों सास बहू को जब भी चिकन फ्राई खाने का मन करता तभी वह अपने अपने पतियों से चिकन मंगवाती, पर घर का खर्च भी अब चल नहीं पाता था, घर की स्थिति डगमगा चुकी थी। दूसरी तरफ विकल्प की नौकरी छूट गई थी, 3 दिनों से मीरा को बेवकूफ बनाकर घर से बाहर यूं ही घूम रहा था। 4th दिन मीरा कहती है, देखिए बहुत दिन हो गए, इस बार आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए, पैसे कब लाएंगे, दीजिए ना। वो मैं मीरा, आज शाम को मैं पैसे हर हालत में ले आऊंगा। मैंने मीरा को बोल तो दिया लेकिन मैं पैसे लेकर कहां से आऊंगा, लाऊंगा चाहे मुझे चोरी ही क्यों न करनी पड़े, मैं लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर विकल्प घर से निकल जाता है और अपने मालिक के पास जाता है, उसे अपने बचे हुए पैसे मांगता है। उसका मालिक सबको पैसे बांट रहा था पर उसे नहीं देता, तभी विकल्प उससे कुछ पैसे छीन कर घर आता है। इस बात से उसका मालिक गुस्से में आ जाता है और पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवा देता है। विकल्प मीरा को पैसे देता ही है कि पुलिस आ जाती है। यहाँ विकल्प कौन है, सामने आओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, यहीं पर हैं वो। जी हाँ, मैं उन्हें अरेस्ट करना है चोरी और फ्रॉड के जुर्म में, ये रहा लेकर चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। तू ही है ना विकल्प? जी मैं ही हूँ, पर ये सब झूठे इल्जाम है, बस मैंने उनसे अपना पैसा लिया था, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। सभी चोर ऐसे बोलते हैं, चल वरना तुझे थाने में घसीटूंगा। विकल्प आप परेशान मत होइए, मैं ये सारे झूठे इल्जाम आपसे हटवा कर ही रहूंगी। तभी पुलिस उसे ले जाती है, विकल्प जेल में पड़ा था, वहीं घर की हालत तंगी हो गई थी, भानु प्रताप का काम भी ठप हो गया था, अब घर में कंगाली छा गई थी। क्या अब सास बहू मिलकर घर का खर्च चला पाएंगे, क्या विकल्प जेल से छूट पाएगा, आखिर घर की ऐसी परिस्थिति में दोनों कौन सा कदम उठाने वाले थे, जानने के लिए कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। शाम को तभी मीरा कहती है, माँ जी हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, पापा जी का काम भी नहीं बचा और विकल्प भी जेल में है, घर चलाने के साथ उन्हें जेल से भी छुड़ाना है, उनकी जमानत के लिए गई थी तो उन्होंने बदले में कुछ पैसे मांगे हैं। बहू मुझे लगता है अब तुझे अपने हुनर को बाहर लाना चाहिए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मैं ये बोल रही हूँ कि तू चिकन फ्राई बेचना शुरू कर दे, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू देखना लोगों की भीड़ लग जाएगी और 1 प्लेट हम 100 रुपए की दिया करेंगे, और जहाँ तक पैसों की बात है तो मैं किसी से थोड़े पैसे उधार ले लूंगी फिर हम चुका देंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ जी। अगले दिन से दोनों सास बहू चिकन फ्राई का ठेला लगा लेते हैं, तभी चिकन फ्राई की खुशबू से ही लोग उसकी ओर खींचे चले आते। अरे बहन जी जरा 1 प्लेट मुझे भी चिकन फ्राई देना। अरे बहू जल्दी से इनकी प्लेट लगा, ये लीजिए भैया खाकर बताइए कैसा बना है। अरे जरा मुझे भी चिकन फ्राई देना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए आप भी लीजिए। ये कहकर मीरा उन्हें चिकन फ्राई दे देती है, तभी खाकर वो कहते हैं, अरे वाह वाह वाह, ये चिकन फ्राई में तो बहुत ज्यादा टेस्ट है, इतना टेस्टी कभी नहीं खाया। सही बोला, ऐसे चिकन फ्राई तो मेरी मम्मी बनाया करती थी। पहले ऐसा करिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए, मैं अपनी मम्मी को भी खिलाऊंगा तो वो आपसे खुश हो जाएंगी। जी शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे ही दोनों सुबह से शाम तक अच्छा खासा चिकन फ्राई की कमाई कर लेते हैं, और जब कमाई गिनते हैं तो कहते हैं, देखा बेटा मैंने कहा था ना कि तेरी चिकन फ्राई की दुकान अच्छी चलेगी, सोच 1 दिन की इतनी है तो आने वाले दिनों में हमारे कितना लाभ होगा। वो तो है माँ जी। लगता है मेरी बहू के हाथ का चिकन फ्राई सबको पसंद आ गया, अरे कमाई अच्छी हो गई है। ये तो सही कहा पापा जी आपने। ऐसे ही सास बहू अगले दिन भी चिकन फ्राई की दुकान लगाती हैं और उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। 1 हफ्ते में सास बहू चिकन फ्राई बेचकर इतना पैसा कमा लेती हैं कि विकल्प की थाने से जमानत कराकर ले आती हैं और उसे अपनी दुकान के बारे में बताती हैं। तो विकल्प कहता है, अरे बहुत अच्छा मीरा, तुमने तो मेरे पीछे अच्छे से घर को संभाल लिया। जी किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी। अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाऊंगा दुकान में।
ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ बेटा ही क्यों, मैं भी करूंगा, हम चारों मिलकर चिकन फ्राई बेचेंगे। सास बहू पर अब तो पैसे थे ही, इसलिए वह एक और ठेला खरीद लेते हैं और मीरा अपने हाथ से चिकन फ्राई बना दिया करती थी, जिसे एक दुकान पर भानु और विकल्प बेचते थे, दूसरी ओर सास बहू मिलकर चिकन फ्राई बेचती थी। इससे उनका कारोबार और बढ़ता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुशल की शादी शोभा से हुई थी। शादी के साल भर के भीतर ही शोभा को प्यारी सी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उसने परी रखा। उस दंपति का जीवन अभी शुरू ही हुआ था कि कुशल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और शोभा सुहागन से विधवा हो गई, जिसे देख उसकी माँ राधा कहने लगी, बिटिया तू आखिर कब तक ऐसे विधवा की जिंदगी जिएगी, कुशल को बिसार कर आगे बढ़ जा, और फिर परी को भी भावी भविष्य में पिता के नाम की जरूरत पड़ेगी। माँ फिर से वही सब बातें, माँ एक विधवा जिसकी एक बच्ची है उसे कौन अपनाना चाहेगा, मैं अपनी बच्ची के सहारे ही जीवन काट लूंगी। जीवन का सफर बहुत सुकड़ा है शोभा, इस सफर में हर एक को साथी के सहारे की जरूरत पड़ती है, अपनी नहीं तो इस नन्ही सी बच्ची परी के बारे में सोच। ये बोलकर राधा रसोई घर का रुख कर लेती है और शोभा सारी रात सोच के समंदर में डूबी रहती है और अपनी दुधमुही बच्ची को ममता भरे मन से ताकते हुए कहती है, सची तो कहा था माँ ने मुझे, परी की माँ के साथ उसका पिता भी बनना होगा। मेरे पास इतनी शिक्षा दीक्षा है कि मैं कामकाज करके अपनी परी का पालन पोषण कर लूंगी। एक सप्ताह बाद, माँ परी 3 माह की हो चुकी है, आपसे काफी घुलमिल सी भी गई है, इसके पालन पोषण में पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ, कल ही मैंने इंटरव्यू दिया है। महीनों बाद कोई शुभ समाचार सुना है। सुन शोभा बिटिया, तू इस सफेद लिबास में दफ्तर मत जाइयो। क्यों माँ, क्या खराबी है मेरे पहरावे में? बेटा इस बेरंग उदास साड़ी में तुझे देख मेरा मन कचोटता है, मैं चाहती हूँ कि तू रंगों के प्रति रुझान दिखाए। ओके मेरी प्यारी माँ, सिर्फ आपके लिए। तभी शोभा को एक कॉल आता है और वो चहक उठती है, ये देख राधा कहती है, अरे किसका कॉल था बिटिया, जिसे बात करते ही तेरा चेहरा इतना चमक उठा? माँ आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है। अरे बहुत बहुत बधाई हो बेटी। अगले दिन शोभा दफ्तर आती है, जहाँ विवेक कहता है, सुनिए मैं यहाँ का मैनेजर, मुझे प्रद्युम्न सर ने आपको रूल रेगुलेशन और काम बताने के लिए भेजा है। ओके सर। विवेक शोभा को सारा काम समझा देता है, शोभा काम शुरू कर देती है। फिर देर दोपहर विवेक उसके पास आकर बोलता है, If you don't mind, क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ? जी जरूर सर। शुक्रिया, अगर आप सहमत हो तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तो आपको पता ही है, मैं अपनी माँ और 3 महीने की बेटी के साथ रहती हूँ। हम मुझे तो लगा आप सिंगल होंगे, पर आप तो शादीशुदा निकली। पर अब सिंगल मदर हूँ, अपनी बेटी के लिए ही मैं ये जॉब कर रही हूँ। क्यों, आपके पति कहाँ है? वो इस दुनिया में नहीं है। माफी चाहूंगा, खैर चलिए खाना खाते हैं। वक्त बीतता है, अब शोभा और विवेक एक दूसरे के आकर्षक होने लगते हैं, दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं, प्यार का पड़ाव शादी तक पहुंच जाता है। दोनों शादी करके घर पहुंचते हैं, जहां विवेक की माँ सुधा दरवाजा खोलने पहुंचती है। अरे विवेक, दफ्तर से इतनी जल्दी आ गया, ये औरत और बच्ची कौन है? वो माँ, दरअसल मैं शोभा से बहुत प्यार करता हूँ, ये जानने के बाद कि उसके 1-6 महीने की बेटी है, मैंने उससे शादी कर ली। तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने एक विधवा से उसकी बतौर एक बच्ची है उससे ब्याह रचा लिया? अरे जमाने भर की लड़कियां मर गई थीं। माँ शोभा बहुत अच्छी है, वो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। अब मैं बुढ़िया क्या ही बोलूं, जब चिड़िया चुग गई खेत, पर बेटा आगे जाकर तुझे बहुत पछतावा होगा। माँ जी मुझे एक मौका तो दीजिए। 2 दिन बाद विवेक बड़ी खुशी के साथ परी को गोद में लिए खेल रहा था। अले ले 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 ले, पापा की परी, अले ले 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 ले, जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम साथ में सैर करने जाएंगे। अब क्या सारा दिन इसी के साथ खेलते रहेंगे, दफ्तर के लिए देर हो रही है। विवेक अपना बैग उठाकर ऑफिस चला जाता है। वक्त के पड़ाव के साथ परी 3 साल की हो जाती है, इसी बीच उसकी एक छोटी बहन भी जन्म लेती है। अब विवेक को अपनी असली संतान मिल जाती है, यहाँ से शुरू होता है उसका सौतेलापन। विवेक की दुनिया उसकी बेटी सोनम में ही सिमट कर रह जाती है।
ऐसे में सुधा भी विवेक के मन में सौतेले बाप का बीज बो देती है। अब विवेक परी को नापसंद करने लगा। एक सांझ, सोनम बेटा देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, लकड़ी की काठी है ना, आ जा बैठ, इस पर पापा तुझे सैर कराएंगे। पापा आ गए, मेरे लिए क्या लाए? कुछ नहीं लाया मैं तेरे लिए, भाग यहाँ से यतीम कहीं की। विवेक द्वारा किया गया ये फर्क शोभा देख लेती है और वह सौतेलेपन की सांचे में खुद को और परी को ढालने लगती है। विवेक परी को फूटी आग भी पसंद ना करता था। जब भी परी उसे पापा पुकारते हुए पास आती थी तो वह उसे दुत्कार दिया करता था। ये सब देख कर सुधा बहुत खुश थी। 10 साल गुजर चुके थे जिसके साथ दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं। परी क्लास फर्स्ट में आती है। मम्मी पापा देखो मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, अब आप भी मुझे कोई गिफ्ट दोगे ना, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, पापा आप मुझे क्या दोगे? फर्स्ट आई है कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया जो तुझे महारानी का ताज पहना दो, आई बड़ी अपनी बुलंदियों का बखान करने। कोई बात नहीं बेटा, पापा के पास टाइम नहीं है, मुझे बताओ क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? नहीं मुझे पापा से ही गिफ्ट चाहिए, पापा मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं दिलाते हो। मैंने चुप्पी क्या साध ली, तू मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है, सारे दायरे बिसार दिए हैं बदतमीज बेबाक। ऐसा कहकर विवेक परी को चाटा मार देता है। तभी सोनम वहां आकर कहती है, पापा मुझे जार के लिए लेकर चलिए ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। पापा की रानी बेटी, अभी हम सैर पर चलेंगे और खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे। पिता का ये सौतेलापन अब परी को साफ तौर से दिख रहा था। वह रोते बिलखते हुए कहती है, पता नहीं पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, शायद मैं बापू को नहीं सुहाती, दादी भी मुझे प्यार नहीं करती, माँ ये भेदभाव क्यों? बेटा रो मत, सोनम तेरी छोटी बहन है ना, इसलिए पापा उसे ही प्यार करते हैं। जब तू छोटी थी तो बाबा तुझे भी बेतहाशा प्यार करते थे। सप्ताह गुजरता है, विवेक कभी भी सौतेले बाप बनने से नहीं चूकता। परी हमेशा पिता के प्यार के लिए तरसती है। इसी बीच विवेक को बिजनेस में बड़ा लॉस होने से वह दिमागी तौर से गहरे सदमे में चला जाता है। उसके पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। विवेक का शरीर साथ देना छोड़ देता है। उसे गिरता देख परी भागते हुए आकर कहती है, पापा पापा क्या हुआ आपको, पापा आप ठीक तो है ना? माँ माँ जल्दी आइए, पापा कुछ बोल नहीं रहे। परी अपने पिता को बिस्तर पर खींचकर लिटा देती है। परी की चीख सुनकर सभी उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर घंटों जांच पड़ताल के बाद उन्हें बताते हैं, डॉक्टर मेरे पिताजी ठीक तो है ना, उन्हें क्या हुआ? देखिए इन्हें किसी बात का सदमा लगा है, आपके पिता का शरीर पैरालाइज हो गया है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं और परी कहती है, माँ दादी ये समय रोने पीटने का नहीं है, हमें तो हिम्मत की पाती बांधनी होगी। अपने पिता को ठीक करने में परी जी जान लगा देती है। माँ दादी पापा के पास मैं हूँ, आप जाकर आराम कर लीजिए। परी का अपने प्रति बेहिसाब सेवा सहाय देख विवेक बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। परी उसे टाइम पर दवाई देती, उसके हाथ पैर की मालिश करती, परी की मेहनत रंग लाई, विवेक पूरे तौर से ठीक हो जाता है। परिणीति बेटा मैंने तुझे हर वक्त डांटा फटकारा, तुझे पिता का प्यार नहीं दिया, तभी तू मेरी इतनी सेवा बाड़ी कर रही है, क्यों? क्योंकि पिताजी आप पहले मुझे बहुत प्यार करते थे ना, माँ ने मुझे सब बताया, फिर छोटी बहन के आ जाने से पिता का प्यार बटना तो लाजमी है। मेरी सयानी बच्ची आ जा अपने पिता के गले लग जा, अब मैं तुझे वो प्यार दुलार दूंगा जो माँ के सिखावे में न दे सका। इस तरह विवेक को अपनी करनी का पछतावा होता है, जिससे उसके मन में बसा परी के प्रति सौतेलापन स्नेह के अथाह सागर के सांचे में ढल जाता है। माँ आप अपना ख्याल रखना, मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी तुम्हें स्मरण था? अरे बूढ़ी अम्मा भूलती कैसे, पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया, वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी, वैसे तुम्हारी माँ के रहते तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो,
इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते? हाँ बूढ़ी अम्मा, मगर मेरे सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है, ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ। उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद, बूढ़ी अम्मा आपसे पते आते हुए मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली, अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह, ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ, साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया। खाना बनाने में एकदम नपातुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बुढ़िया अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा, आप? अरे छोकरिया, जाकर अपनी अम्मा को बुला, मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो, भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका, मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा। नादान छुकरिया, तू चुकाएगी भाड़ा? बीते भर की है नहीं आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी डावाडोल हो, बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं, तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार है। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं, तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी, इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा, हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा दूजा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा, ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा, हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलचिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी ममता, ये कोई साधारण बांस घर नहीं, बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी, जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी, ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांस घर, मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बांस घर सोने के सुहाने जादुई बांस घर में बदल कर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बांसघर की सांची में बदल गया। बूढ़ी अम्मा, आपने ये कैसे किया? जरूर आप कोई जादूगरनी है ना? सलोनी, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे, इस जादुई सोने के बांसघर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बांसघर का सदुपयोग करना। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है।
दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बांस घर में सो जाती हैं। अगली सुबह, माँ मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी, जब हमारे पास जादुई सोने का बांस घर है तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? माँ ये बांस घर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है, मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती, ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ। समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी तभी एक बूढ़ा वहाँ से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा, आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है, मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बांस घर के पास आती है। ए मेरे जादुई सोने के बांस घर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरे चमक से सराबोर होकर सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बांस घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा, खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी की श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ तो सुनो परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परीलोक की परीरानी का पद प्राप्त होता है। आज से तुम परियों की रानी, मगर तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ संसार का भ्रमण करना होगा। परी अपने लोक को पार करके संसार में आती है। अरे ये बांस वृक्ष का जंगल तो बड़ा रोचक है, क्यों ना मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ साधूं? परी अपनी जादुई छड़ी से बांस जंगल में कभी पथराव करती तो कभी मेह की फुहार बरसाती और अंत में आग से जंगल को जला दिया। तभी एक तपस्वी उसके सामने आ खड़ा होता है। घोर अनर्थ, तुम्हारे सातुरता ने मेरी सदियों की तपस्या को भंग कर दिया। बाबा मुझे नहीं स्मरण था कि आप यहाँ साधना में लिप्त हैं। मैं अभी इस अग्नि को बुझा देती हूँ। अगले ही पल परी उस आग को बुझा देती है। इसका अभी कोई तात्पर्य नहीं है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ परी कि जिस शक्ति से तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग किया, तुम इसी पल छिन एक बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बन जाओगी और जब तक कोई नेक दिल यहाँ नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी। और मैं बतौर बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बनकर रहने लगी, मगर तुम वो नेक दिल निकली और तुम्हारे हाथों का आहार मेरा हथियार बन गया। मेरी शक्तियां लौटने लगी और आज मैं इस बांस जंगल से रिहा हो रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज से इस बांस जंगल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने के बांस घर में बसेरा बनाकर भावी भविष्य में बेबस बेसहारा लोगों की मदद किया करती।